Hi students, welcome at KidCan Digital Learning. I am your English teacher. Today I am presenting you unit number 5 and our topic is Helping Others from your book We Learn English Class 8 published by Oxford University Press. Before starting our today's topic, I would like to advise you a few tips for effective learning and takes maximum benefit from KidCan Digital Learning. Like and subscribe your school channel so you will not miss any video. Carefully listen and watch video from start to end. Find out the answer of the question from the video. You have to watch the video multiple times until you have find the answer. 8 मार्च 1960 को एक नौजवान जर्मन डॉक्टर हिंदुस्तान जाते हुए कराची में रुकी. वो बहुत कम जानती थी कि वो एक प्रोविडेंस ही थी जो इसे दुनिया के इस हिस्से में ले आई थी. अपने सफरी कागजात पर कार्रवाई होने का इंतज़ार करते हुए वो शहर की कच्ची आबादी का दौरा करने वाली थी जहाँ कोढ़ नामी बीमारी में मुबतला लोग आबाद थे. जिजाम लेफ्सोरी कहते हैं जिजाम को, जिसे हैंसन की बीमारी भी कहा जाता है. एक मुतादी बीमारी है जो जिल्द पे चिपचिपा झिल्लियों और असाब को मुतासर करती है और बाद सूरतों में ये बिगाड़ और ख़राबी का बायस बन सकती है. ये मर्ज अब दवाइयों की मदद से काबिल इलाज है, ताहम इस बीमारी से मुतासर कुछ तरक्की पज़ीर ममालिक अफ्रीका और एशिया में मरीज मौजूद हैं. जिजाम बहुत कदीम ज़माने से मौजूद है. ये बीमारी जिजाम कोड़ की बीमारी भी कहते हैं, लेप्रोसी, और पूरी तारीख में इसका खदशा रहा है क्योंकि इसके नतीजे में बदनीयती और जिस्मानी माजूरी होती है. अफराद इस बीमारी में मुबतला अफराद को मुआशरे से दूर रखा गया है और अलग रहने पर मजबूर किया गया है. ऐसी कॉलोनियाँ जिनका बैरूनी दुनिया से कोई रबता नहीं होता. डॉक्टर जेली इंसानी हालात को देख कर हैरान रह गई जिनमें ये लोग रह रहे थे. बिजली, पानी, सीवरेज की कोई सहूलत नहीं थी. इसने फिजा में गंदी बदबू से भरी हुई खुली नाली और गंदगी देखी. सामाजिक कारकुनों के एक ग्रुप की तरफ से कायम की गई छोटी डिस्पेंसरी में मुनासिब सहूलियात बंद थी और कॉलोनी में रहने वाले मिर्गी के मरीज़ों की बड़ी तादाद के लिए ये नाकाफ़ी था. इसने खुद को दुखी इंसानियत के ग्रुप की फलाह बहबूद के लिए वक्फ करने का फ़ैसला किया. डॉक्टर रूथ कैथरीना मार्था फॉक थी और ये फ़ैसला इनकी और हज़ारों दीगर लोगों की ज़िंदगी में एक अहम मोड़ साबित हुआ जिन्होंने इसके इंसानी काम से फ़ायदा उठाया. 1929 यानी कि 29 में लेपिस जर्मनी में पैदा हुई. डॉक्टर रोथ फाओ ने के लिए दर्द और तकलीफ़ कोई नई बात नहीं थी. उन्होंने दूसरी आलमी जंग में की हौलनाकियों का मुशाहिदा किया था जिसमें इसका अपना घर बमबारी में तबाह हो गया था. डॉक्टरी की तालीम हासिल करने और डॉक्टर के तौर पर क्वालिफाई करने के बाद वो अपनी ज़िंदगी के साथ कुछ मुफीद काम करना चाहती थी. वो हिंदुस्तान के एक अस्पताल में काम करने के लिए रवाना हुई थी लेकिन कराची में स्टॉपओवर ने सब कुछ बदल दिया. गैर सेहतमंद हालात और सहूलियात और अद्वियात की कमी से परेशान डॉक्टर रूथ फाओ ने कॉलोनी में एक झोपड़ी में जिज्म के मरीज़ों का इलाज शुरू किया, यानी कि कोढ़ के मरीज़ों को. वो हिंदुस्तान गई लेकिन जिज्म के इंतज़ाम की तरबियत हासिल करने के लिए इसने महसूस किया कि वो मुकम्मल तौर पर उसके बाद जिज्म कंट्रोल प्रोग्राम को मुनज़्ज़म करने और इसको वसत देने के लिए कराची वापस आ गई. इसकी मदद एक और सरशार शख्स डॉक्टर ज़रीना फाजिल हुए ने की और जज़्म के मरीजों और इनके ख़ानदान के अफराद के लिए काम शुरू किया. लोग अब डॉक्टर को कराची का फरिश्ता समझते हैं. बहुत जल्द डिस्पेंसरी मेरी एडियल लेप्रोसी सेंटर में तब्दील हो गई जिसमें मुफ्त इलाज और बहाली की सहूलियात फराहम की गई. ये पाकिस्तान का पहला जिस्म हस्पताल था और मुल्क भर से यहाँ तक अफगानिस्तान से भी मरीज में इलाज के लिए आते थे. पैरामेडिकल और सामाजिक कारकुनों को तरबियत फराहम की गई और वक्त के साथ छोटे इलाज दूसरे शहरों में के मराकज़ में खोले गए. आगाही के लिए मुहिम चलाई गई, मुहिम यानी कि एडवर्टाइज़ किया गया इसे बीमारी के बारे में, इससे मुंसलिक तासुबात और खौफ को दूर करें. डॉक्टर ने पाकिस्तान के दूर दराज के इलाकों का सफ़र किया और इन जगहों पर मेडिकल कैंप लगाए जहाँ जिज़्म के मरीज़ों के लिए कोई सहूलत मौजूद नहीं थी. इनके अनथक कैंप लगा और भरपूर कोशिश और डॉक्टर जरीना फाजिल भी
और दीगर कारकुनान के तआवुन की वजह से था कि आखिरकार इस खौफनाक बीमारी पर काबू पा लिया गया। 1996 में आलमी इदारा सेहत ने पाकिस्तान में जिस्म के मर्ज पर काबू पाने का ऐलान किया। इस मकसद को हासिल करने के लिए एशिया के पहले ममालिक में से एक तकरीबन 50,000 अफराद जिस्म से शफा पा चुके थे। इंसानियत के इस फरिश्ते ने हमेशा कहा है कि मैं सिर्फ उन लोगों को अपने रजिस्टर से हटाऊंगा जब ये ना सिर्फ तबी तौर पर जिस्म से ठीक हो चुके होंगे बल्कि वो किसी ऐसे शख्स की तरह ज़िंदगी गुजार सकते हैं जिसको कभी कोड नहीं हुआ होगा। डॉक्टर फाओ की अनमोल खिदमात और इंसदाद जिस्म मुहिम में शराकत के एतराफ़ में इन्हें पाकिस्तान की आज़ादी शहरियत भी दी गई। इन्हें मुल्क बैरून मुल्क में बेशुमार एजाजात से नवाजा गया जिनमें हलाल पाकिस्तान और निशान कायद आज़म भी शामिल है। डॉक्टर फाओ जिस्म से मुतालिक तमाम उमूर और मसाइल पर हुकूमत के मशीर भी हैं। इसने पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अपने काम के बारे में जर्मन ज़बान में 4 किताबें तसनीफ़ की हैं जिसमें से एक का अंग्रेज़ी में तर्जुमा किया गया है मोमबत्ती रोशन करने के लिए। 8 मार्च 2010 को डॉक्टर रुतफाओ ने पाकिस्तान में 50 साल मुकम्मल कर लिए। 1960 में कराची की कच्ची आबादी अपने दौरे को याद करते हुए उन्होंने कहा कि इनके लिए फैसला कुन लम्हा साबित हुआ। इसमें महसूस किया कि वो उन लोगों को नहीं छोड़ सकती जो इसकी मदद के लिए इसके पास आ रहे थे। उन्होंने फैसला किया खुदा ने इसे यहाँ इनकी मदद के लिए भेजना चाहा था। आज मेरी एडल लेप्रोसी सेंटर 800 से ज़्यादा कारकुनों के साथ मुल्क भर में कोड़ के 157 छोटे मराकज़ को कंट्रोल कर रहा है। ख़ते से इस बीमारी का मुकम्मल खात्मे के लिए काम कर रहा है। तमाम रवैयों को तब्दील करने के लिए अभी भी शोर पैदा करने की ज़रूरत है ताकि कोड़ को किसी भी दूसरी बीमारी के तौर पर देखा जाए। डिस्क्राइब द कंडीशंस इन द कॉलोनी। Hope you enjoyed and learned basic concept of today's topic. Don't forget to answer the question and write the answer of this question in your summer vacation copy or journal within 24 hours to maintain your summer vacation learning project marks, as total marks of this question will be added in your final term exams based on your reply of all questions. The marks of these questions are 10. Hope to see you in the next topic and learn more new concepts. Thank you. Bye-bye.